अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके लिए बकरा ईद स्पेशल में लेकर आई हूँ कोफ्ता कबाब की रेसिपी। कोफ्ते ग्रेवी तो आपने बहुत बार खाई होगी, बट आज हम आपके लिए एक यूनिक सी रेसिपी लाए हैं कोफ्ता कबाब, जो एक चटनी के साथ बनाए जाते हैं। बहुत ही टेस्टी बनेंगे। रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए देख लेते हैं हमने इस कोफ्ता कबाब को कैसे बनाया है। तो सबसे पहले हमें चाहिए 1/2 kg कीमा। कीमे को अच्छे से वॉश कर लें और इसका पानी बिल्कुल निकाल दें और इस तरह से बारीक पीस लें। तो ये देखिए हमने कीमा बारीक पीस लिया है। कोफ्ते में पानी नहीं रहना चाहिए कीमे में, अगर कीमे में पानी रहा तो कोफ्ते टूट जाते हैं। तो अब इसमें हम पाउडर मसाले देख लेते हैं। 1/2 teaspoon लाल मिर्च पाउडर, 1/4 teaspoon हल्दी पाउडर, 1/2 teaspoon गरम मसाला पाउडर, 1/2 teaspoon नमक, नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग लें, 3 हरी मिर्च जिसको मैंने बारीक पीस लिया, कट कर लिया है, आप चाहें इसको पीस भी सकते हैं, 1 tablespoon अदरक लहसुन का पेस्ट, 1 tablespoon हरे धनिया कट किया हुआ। तो ये सभी चीज़ें हम इसमें ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर मैंने जितने भी किचन अप्लायंसेस यूज़ किए हैं उनका बाय लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जो भी पसंद आ रहा है आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। तो अब यहाँ पर हम ऐड करेंगे 2 tablespoon भुने चने का आटा, चिक पिक्स, अच्छे से बारीक पाउडर बना लें और वो ऐड कर लें। तो अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है, तो इसको साइड कर देंगे और इसके ग्रेवी बनाने के लिए हम मसाला तैयार करेंगे। तो हमने यहाँ पर तीन ड्राई मैंगो लिए हैं, ये देखिए इस तरह से लेने हैं, जो साबुत खटाई होती है वो ले लेनी है। और इसको हमें 2 मिनट बॉईल कर लिया है। 1/2 teaspoon ज़ीरा, 3 लाल मिर्च लेंगे, ये तीखी वाली है मेरे पास, 5 लहसुन की कलियाँ। तो इन सभी चीज़ों को हम एक मिक्सी जार में डालेंगे और अब इसमें पानी ऐड करेंगे 1/4 cup और इसको हमें बारीक पीस लेना है। तो ये देखिए हमने फाइन पेस्ट बना लिया है। तो अब हम यहाँ पर कोफ्ते बना लेते हैं। तो इस तरह से हमें लेने, जितने बड़े या जितने छोटे आप बनाना चाहें उतना पोर्शन आप ले सकते हैं। तो मैं यहाँ पर इस तरह के शेप में बना रही हूँ, मतलब गोल में भी बना सकते हैं आप, लंबाई में भी कबाब का शेप भी दे सकते हैं या फिर टिक्की का शेप भी दे सकते हैं। तो यहाँ पर सभी कोफ्ते बनकर तैयार हो चुके हैं। तो चलिए अब इसको हम फ्राई करते हैं। तो हमने एक पैन में ऑयल गर्म कर लिया है, अब इसमें हम कोफ्ते ऐड करेंगे। तो सभी कोफ्तों को हमें सेक लेना है बहुत अच्छे से, 5 से 6 मिनट लग जाएंगे आप तो आपको कोफ्ते फ्राई करने में। ये देखिए अच्छा सा हमें एक कलर ले लेना है ताकि ये अंदर से कच्चे ना रहें, बहुत अच्छे से कुक हो जाएं। ये रेसिपी बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस बनती है, आपको ज़रूर पसंद आएगी, तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो यहाँ पर कोफ्ते फ्राई हो चुके हैं, अब इनको हमें एक प्लेट में निकाल लेना है और इसमें जो ऑयल बचा है एक लेडल भरकर हम निकाल लेंगे। 2 से 3 tablespoon हम पैन में पड़ा रहने देंगे। हमने जो पेस्ट बनाया था मसालों का वो ऐड कर देंगे और अब इसमें ऐड करेंगे 1/2 teaspoon कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, अगर ना हो तो आप स्किप भी कर सकते हैं, 1/4 teaspoon नमक ऐड कर देंगे, नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ही डालिएगा। थोड़ा सा हम इसको भूनेंगे और इसमें हम मिक्सी जार में जो चटनी रह गई थी उसमें थोड़ा सा पानी डालकर वो ऐड कर देंगे 1/4 cup के करीब। तो अब इसको हमें भून लेना है। ये देखिए ये भून चुकी है मसाला, अब इसमें हमें कोफ्ते ऐड कर देना है और अब ऐड करनी है हमें इसमें प्याज। तो यहाँ देखिए मैंने 2 प्याज लिए हैं जिसको रिंग्स में कट कर लिया है इस तरह से, ये ऐड कर देंगे और अब ऐड करेंगे इसके बाद हम हरी मिर्च, 3 हरी मिर्च बीच में से स्लिट कर लिए हैं तो ये ऐड कर देंगे, थोड़ा सा हम हरे धनिया ऊपर से स्प्रिंकल कर देंगे और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। एकदम लटपटे चटपटे से ये कोफ्ते बनकर तैयार होते हैं। ये देखिए तो आप तीखा चटपटा खट्टा खाने के शौकीन हैं तो ये इस डिश को ज़रूर बनाएं। ये देखिए हमने इसको मिक्स कर लिया है, थोड़ा सा हम ऊपर से चाट मसाला स्प्रिंकल कर देंगे और अब इसमें 1 tablespoon हम बटर ऐड करेंगे, मिक्स करेंगे और अब ऐड कर देंगे 1/2 नींबू का जूस। तो ये देखने में ही इतने टेम्पटिंग और डिलीशियस लग रहे हैं। ये देखिए एक प्लेट में मैं सर्व करती हूँ आपको और दिखाती हूँ इसको कट कर कर के ये कैसे बने हैं। ये देखिए तो बहुत ही टेस्टी से, ये देखिए मैं आपको कट कर कर भी दिखाती हूँ, एकदम सॉफ्ट जूसी और मॉइस्ट बनकर तैयार होते हैं। तो इस बकरीद आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपकी ये रेसिपी कैसी बनी। तो उम्मीद करती हूँ आज की मेरी ये रेसिपी आपको पसंद आई होगी। रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।